हेलो एवरीवन, दिस इज कमलेश, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल यंग राइड्स। आज 24th of October, आज है दिवाली। आप सभी को मेरी तरफ से, दादी की तरफ से, मेरी तरफ से हमारी तरफ से, मम्मी के तरफ से हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली जो हैप्पी दिवाली। किचन में एक्चुअली बहुत सारी तैयारी हो रही है। यहाँ पे प्याज काटे इस काम वाली भाई ने, यहाँ पे चावल और यहाँ पे अभी बनने वाला है। एक्चुअली प्लान ये है कि आज हम लोग बहुत सारा पुलाव बना के हम लोग आज डोनेट करने वाले मतलब दान करने वाले हैं। तो बहुत सारा राइस है एंड वेजिटेबल कट करके हो गया है। और ये एक बाहर से हम लोग ने एक फीमेल को बुलाया है जो बनाएगी, बावर्ची को बुलाया है बाहर से जो बनाने वाली है। सो गाइस, राइस बना के हो गया है पूरा। इसने बनाया पूरा राइस, मुंह हलाओ दे मने बना। हां, ये मैं लेमन डाल रहा हूँ और फिर हम लोग लास्ट में ये कोरिएंडर डालने वाले हैं। मैंने मारो वीडियो। हां, मैंने बनाया राइस। सो पहले थोड़ा सा भगवान को चढ़ाएंगे और फिर हम लोग ये इस पे ढक्कन लगा के लेके जाएंगे शिव मंदिर, वहाँ पे जो बैठे रहेंगे उनको देंगे हम लोग। सो गाइस, अभी हम लोग प्लेट लेने जा रहे हैं जिसमें हम लोग ये सर्व करेंगे और शायद बिस्लेरी लेने वाले छोटा छोटा बॉटल वो लेने जा रहे हैं। प्लेट लेके हो गया, अभी हम लोग जा रहे हैं जलेबी लेने के लिए। तो मेरे फ्रेंड का ही एक्चुअली शॉप है, उसके पास जा रहे हैं जलेबी लेने, यहीं पर है सामने। ये मेरा फ्रेंड है देवाशीष, अंबरनाथ में आप रहते हो तो शिव मंदिर रोड पे आपको मिल जाएगा, बहुत ही टेस्टी जलेबी बना। हाय तो बोल भाई। हाय हाय, है ना, 1 किलो पहले बोल रहे थे ना, तो गरम देखो निकल के दिया था, चलेगा कोई बात नहीं। प्लास्टिक के ग्लव्स ले लिए, जलेबी देने को काम आएगा वरना हाथ गंदे हो जाएगा। हाथ गंदे हो जाएंगे वो थोड़ा अनहाइजीन भी लगता है। जलेबी जलेबी ओ वाओ, सो कन्वीनिएंट, इस टाइम पे भी होना चाहिए था। यहाँ पे कोई नहीं बैठा, हम लोग शिव मंदिर जा रहे हैं अभी। आराम से। सो ये पूरा होममेड है, कहीं पे भी कुछ भी केमिकल वगैरह कुछ रखा नहीं है, कुछ ऐसे सस्ता क्वालिटी कुछ है नहीं, प्रॉपर होममेड। हाँ रुको, लोगों के मन में ये डाउट रहेगा कि अगर मैं ये सब कर रहा हूँ तो ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो एक मेरा रीज़न वीडियो बनाने का ये है कि मेरे पास मेमोरीज रहेगी, ये ब्लॉग बना के जब मैं डालूंगा तो आगे जाके कभी भी देखता हूँ तो मेरे पास एक मेमोरी रहेगी कि मैंने दिवाली कैसे सेलिब्रेट की थी। दूसरी बात कि जब तक मैं शूट करके दिखाऊंगा नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि मैंने क्या किया है। हैप्पी दिवाली। शिव मंदिर पहुँचे, यहाँ पे बहुत रश रहता है, आज मंडे है इसलिए ज़्यादा रश है। आन तो अभी पीछे, इनको दे दो चले बेटा। पीछे जो देख रहे हो ये प्राचीन शिव मंदिर है अंबरनाथ का,
इसका हिस्ट्री आप गूगल पे देख सकते हो। और यहीं पे बाहर हम लोग वो प्रसाद दे रहे थे, तो शिव मंदिर के दर्शन भी हो गए। अंदर कैमरा अलाउड है बट मैं शूट नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली ज़्यादा, बिकॉज अंदर भगवान बैठे तो वो कैमरा से शूट करके मतलब नहीं है। हो गया यहाँ पे, निकलते यहाँ से। यहाँ पे एक्चुअली ना टर्टल्स है बहुत सारे, अगर आपको दिख रहा होगा ना वहाँ पे टर्टल्स बैठे हुए। यहाँ पे भी है टर्टल्स, मैं जूम करने की कोशिश करूँगा बट थोड़ा सा फट जाएगा इमेज। देखो वहाँ पे टर्टल्स, मैं आऊँ। ज़्यादा प्यार हो रहा है। दिख रहा है तो वो आंटी बैठी है वहाँ पे, फॉर सम रीज़न वहाँ पे बैठी है, क्योंकि यहाँ पे मंदिर भी नहीं है तो उनको दे देते थोड़ा सा। ये दोनों डाकू लोग देखो, डालो डालो, ख़त्म कर दो, ये फिनिश होना है। ऐड हो गया प्रसाद, प्रसाद है प्रसाद, दिवाली जी प्रसाद, हैप्पी दिवाली। फिनिश हो गया, फिनिश हो गया जितना हम लोग ने बनाया था वो। सो वंस अगेन हम सब लोग की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली, विश यू हैप्पी दिवाली। अभी घर पे जाते हैं, हम लोगों को भी भूख लगी है, थोड़ा सा खा लेते हैं हम लोग। तो गाइस ये मेरी बहन यहाँ पे रंगोली बना रही है। क्या लिख रहे हो आप? लक्ष्मा पाजन, लक्ष्मा पाजन, लक्ष्मी पूजन होता है।